ईद के बकरों के लिए अब चारा लेना हुआ आसान। PNS एग्रो आ गया है कल्याण फाटा के आगे इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास। हरी पत्ती, तुवर भूसा, चना छिलका, मकई टुकड़ा, जवारी, सोयाबीन सब मिलेगा आपको, वो भी अच्छी क्वांटिटी में। PNS एग्रो में हर चीज का स्टॉक अवेलेबल है, साथ ही साथ आपको वजन बढ़ाने वाले टॉनिक्स और फीडिंग सप्लीमेंट्स भी मिलेंगे। PNS एग्रो में बकरों को चारा खिलाने के लिए फीडिंग ट्रेस, PVC पैलेट्स, फार्म इक्विपमेंट्स और PNS का स्टार्टर मिक्स फीड और मिनी स्टार्टर सब मिलेगा। साथ ही साथ जानवरों के लिए अलग अलग किस्म की दवाइयां और उनके लिए एसेसरी जैसे कि बेल्ट और घुंघरू सारे के सारे अवेलेबल है। और जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। शील भाटा अचार गली में केबल से सटे हाई टेंशन केबल में हुआ ब्लास्ट। हाई टेंशन केबल के नीचे बने अवैध निर्माण बने बड़ा कारण। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोमवार 12 जून दिन के समय में शील भाटा स्थित अचार गली है। अचार गली में एक बहुमंजिला इमारत है। इस इमारत से करीब में ही टाटा हाई टेंशन केबल गुजरता है। कुछ लोगों ने इस हाई टेंशन केबल के नीचे दुकानें बना दी और दुकानों के साथ साथ और भी ऊंचाई वाला अवैध निर्माण कर डाला और वहीं से इंटरनेट का केबल भी डाल दिया। केबल हाई टेंशन केबल के संपर्क में आ गया जिसके चलते यहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाके ने जो अवैध निर्माण ऊंचाई करके बढ़ा करके बनाया गया था उसकी पूरी छत उड़ा दी। पत्रे, एंगल सभी जो है इस धमाके की वजह से धराशायी हो गए। खुशकिस्मती से किसी प्रकार की कोई जीवित हानि नहीं हुई, कोई जख्मी नहीं हुआ। स्थानीय निवासियों ने इस हाई टेंशन केबल ब्लास्ट को लेकर क्या जानकारी दी और क्या उन्होंने बताया वो हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही हाई टेंशन केबल के नीचे अवैध निर्माण बनाना, वो भी ऊंचाई वाला, वो कितना घातक हो सकता है। झगड़े चाल के बाद इस दुर्घटना ने फिर एक बार ये सामने लाया है। तो इस तरह से हाई टेंशन केबल के नीचे किसी भी तरह का कोई भी निर्माण न करे। सर, क्या नाम है आपका? इस बिल्डिंग का नाम क्या है? इस एरिया का नाम क्या है? मेरा नाम शफीक खान है और इस बिल्डिंग का नाम है मरहबा मंजिल और ये अचार गली में आती है शील भाटा। अच्छा, अभी एक रूमर्स फैलाया गया कि बाटला किसी घर में फूटा है, वो घर कौन से फ्लोर पे है और क्या मामला है? नहीं, एक्चुअली बाटला नहीं फूटा हुआ है और ये फर्स्ट फ्लोर में एक ब्लास्ट हुआ है, लेकिन वो बाटला से नहीं हुआ है, वो हाई एक्सटेंशन का वायर गया हुआ है, उसके ऊपर ये वाईफाई का वायर है, शायद हवा में टकरा गया है जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है। तो ये वाईफाई का वायर किस में टकरा है? ये हाई एक्सटेंशन में टकराया है, डेफिनेटली हाई एक्सटेंशन में टकराया होगा तभी वो ब्लास्ट हुआ है। तो वाईफाई का वायर हाई टेंशन वायर के ऊपर से गया था? नहीं नहीं, मैं भी नीचे से रहा होगा, ऊपर से तो नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर से जाएगा तो पहले ही टकरा जाएगा। ये नीचे ही से था लेकिन आज आंधी हवा ज्यादा तेज चल रही है जिसकी वजह से मैं भी हवा की वजह से वो टकराया हो और ब्लास्ट हुआ है। आप इस बिल्डिंग में रहते हो, हाई टेंशन पावर वायर इतने करीब में है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो चाहता हूँ कि उसके नीचे जल्दी कुछ कोई चीज बनानी नहीं चाहिए। हाई एक्सटेंशन के नीचे बाजू में है और काफी डिस्टेंस पे है तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन उसके नीचे बनाना थोड़ा रिस्की है और वो नहीं बनाना चाहिए। ये जो ब्लास्ट हुआ वो हाई एक्सटेंशन के नीचे ही ब्लास्ट हुआ? हाँ, नीचे ही ब्लास्ट हुआ, नॉट साइड में नहीं हुआ, नीचे ही हुआ। जैसे ही क्या नाम है? मेरा नाम देविंदर सिंह है। मैं एक गया था स्लाइडिंग एक गाले में, तो वहाँ पर कैसे मैं ग्लास बना रहा, जहाँ पे ब्लास्ट हुआ उसके नीचे गाला है, नीचे जस्ट। अच्छा, तो जैसे ही मैं बना रहा था तो एकदम से मेरा ध्यान सिर्फ काम पे था, तो एकदम से ब्लास्ट हुआ तो पतरा, एंगल सब एकदम से नीचे आके मेरे गाले के सामने गिरा। जैसे ही मेरे गाले में जो गाड़ी, मतलब मेरे सेठ की गाड़ी थी, उस पर एक एंगल आके गिरा था, तो गाड़ी का पीछे का बोनट थोड़ा दब गया है और जो एंगल था और वाईफाई का वायर था वो सब मेरे हिसाब से बच्चे लोग गायब कर दिए। वो थोड़ा बहुत जो मिला वो अंकल के पास है। और जैसे ही फूटा था, मतलब ब्लास्ट हुआ जैसे ही, तो हम लोग सब भागे इस साइड और जैसे ही मैं इधर आगे देख रहा हूँ तो पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई। मेरे दुकान है वहाँ पर भी फोल्ड हुआ थोड़ा बहुत। अच्छा, इस हादसे में किसी को चोट आई है? किसी को नहीं आई है, सुनने में तो आया है। और वो घर में भी कोई था नहीं, लेकिन एक आंटी थे, वो आंटी क्या आंटी को हुई चोट, लगी नहीं लगी वो नहीं पता। वो गाले का ओनर का नाम नहीं पता फिलहाल, मैं अभी नया हूँ इसलिए मेरे को भी ज्यादा नहीं पता, लेकिन मेरे को जो पता है मैं आपको पता है।
हूँ।